पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है। नज़दीक से देखा नहीं पहाड़ तो बेकार जवानी है। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यात्रा विद आनंद। तो आज आप लोगों को हम मनाली का टूर कराएंगे। हम मनाली आ चुके हैं, कल हम वीडियो नहीं बना पाए मनाली आने तक का, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और बस से ट्रैवल करना बहुत हेक्टिक हो चुका था। 14 आवर्स का ट्रैवल था, तो हम लोग किसी तरह कल पहुँचे और रहने का जगह पे पहुँचे और वहाँ पे हम लोग रेस्ट किए, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। पर आज से हम मेरा सारा वीडियो बनेगा और हम आप लोगों को पूरा टूर कराएंगे मनाली का, कि क्या क्या है मनाली में। एक्चुअली पहली बार हम भी आए मनाली, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना सारा स्नोफॉल हो रहा है, देख सकते हो। देखिए कल रात से कंटिन्यू स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड है यहाँ पे। और आज आए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि मनाली हम पहली बार आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मनाली में है और क्या क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं। फिलहाल आप तो ये पूरा स्नो से भरा हुआ एरिया है। एक्चुअली हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, अपना जो हम लोग का जो रहने का जगह है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो इसलिए यहाँ पे स्नोफॉल आसानी से दिख जा रहा है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है और दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है ढंग से, पूरा कुहासा ही कुहासा है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, माइनस में चल रहा है। वैसे ठीक है वेदर, आप आ सकते हो दिसंबर के एंड में भी, आप आराम से घूम भी सकते हो यहाँ पे, वैसा कोई इशू नहीं है। पर ट्रैफिक यहाँ बहुत मिलेगा इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वक्त घूमने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग निकले, कितना सुंदर लग रहा है वो वाला जगह, कोई माउंटेन ही है वहाँ पे, ऐसा फील हो रहा है शायद, या आकाश माउंटेन का। हाँ माउंटेन देख सकते आप, माउंटेन है वो भी, जैसे जैसे बादल हट रहा है वैसे वैसे माउंटेन दिख रहा है अच्छे से। देख सुंदर ना, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है यार। तो अभी हम लोग होटल से बाहर निकले हैं और ये पूरा बारिश बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं बस ऐसे ही लोकल ट्रैवल के लिए, तो आगे का चीज़ हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हो पूरा व्यू, बस अभी हम लोग आसपास ही घूमने निकले हैं, हमारा कैब आने में 1 घंटा लगेगा, तो तब तक हम लोग यहीं पे जो स्नोफॉल है, जो इन्वायरमेंट है उसको दिखाते हैं। यहाँ का रास्ता है जो कि बहुत ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है और थोड़ा आज ठंड भी ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हो। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, अब स्नोफॉल तो बंद हो चुका है लेकिन बारिश अभी भी हल्का हल्का हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, बस 1/2 घंटे का ही रास्ता। यहाँ पे सारे कॉटेजेस हैं जिसमें लोग रहते हैं, टूरिस्ट लोग आके, आप लोग भी इधर आ सकते हो। इंटरप्रेस्ट कॉटेज, इस एरिया में जितने भी कॉटेज हैं सब उसके किसी के अंदर आता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, हीटर आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहुत टाइम पर मिलेगा पर कॉस्ट इफेक्टिव है और ठीक ही रह गया। रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ है, देखो
देखते हो रास्ते, बहुत ज़्यादा ही ऊपर खबर है। Look at this view, पहाड़ी पहाड़ है। अभी थोड़ा हमको नीचे देख के चलना पड़ेगा, हम ऊपर नहीं देख सकते क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक्चुअली यहाँ कैब मिलना थोड़ा इश्यूज होता है क्योंकि ये वेदर के टाइम में ट्रैफिक बहुत हो जाते हैं, तो जल्दी कोई रेडी नहीं होता कहीं जाने के लिए। अगर आपको सिर्फ स्नोफॉल इंजॉय करना है तो आप आ जाओ प्रॉपर रिस्क लेके। बाकी दूसरे वेदर में आइए, भीड़ भी कम रहेगा और कैब्स वगैरह भी मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन परसों रात में हम लोग निकल जाएंगे, इसीलिए पहले क्योंकि कल का इंक्वायरी करना पड़ेगा ना, क्या है कैसे छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। वहाँ तक तो आपका सीसू के तो क्या बोल सकते ना जी, सोलंग वैली तक तो छोड़ेंगे कल का ना। हाँ। शिशु का थोड़ा डाउट है ना कल, क्योंकि कल का थोड़ा डाउट है शिशु का, पहले आप बात क्लियर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे रोड साइड मैगी खाने, जो सब कहते हैं पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो अभी हम मैगी खाने आए हुए हैं और ये भुजिया खा रहे हैं और अभी पूरा भीग चुके हैं रिवर राफ्टिंग के कारण, तो अलग ही इरिटेशन, अलग लेवल का इरिटेशन सा फील हो रहा है, पर फिर भी हम लोग को मैगी खाना है क्योंकि पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा है। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग बुद्ध मॉनेस्ट्री में आ गए हैं और ये एक्चुअली बुद्ध टेंपल है जो हर हिली एरिया में हमको मिला है अभी तक। तो यहाँ भी है तो चलो हम यहाँ देखते हैं कि किस टाइप का है और क्या स्ट्रक्चर्स है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर, तो आगे देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
क्योंकि हम लोग मनाली आए हैं दिसंबर एंड में, तो ऑब्वियस सा बात है ठंड तो बढ़ेगा ही। और जैसा कि हर जगह बुद्ध टेंपल में जो देखे हैं वही कुछ होगा, लाइक लद्दाख में भी हम लोग बुद्ध टेंपल गए थे, फिर दार्जिलिंग में भी बुद्ध टेंपल गए थे, तो यहाँ भी आए हैं। तो आगे देखते हैं क्या है, ठंड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको मॉनेस्ट्री बोलते हैं। डॉग्स अब पपी है, यहाँ देखो यहाँ देखो। सुन के आया हेलो एवरीवन, तो हम मनाली के मॉल रोड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खाने का, घूमने का, खरीदने का, सारी चीज़ों का दुकान है। तो हमें बीच में एकदम मॉल रोड पे समझ नहीं आ रहा है किधर जाए किधर नहीं जाए क्या करें, पर बहुत ही सुंदर जगह है। आई थिंक यहाँ पे 31st यहाँ पे न्यू ईयर के लिए बहुत सारा इंतजाम किया हुआ है, लाइक डीजे डांस। आज मनाली में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू ईयर, देख सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा आज भीड़ है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम यही बोलेंगे कि कभी भी न्यू ईयर टाइम प्लान ना करें मनाली या कोई भी ठंडी जगह जाने का, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और हर जगह आप फंसते ही चले जाओगे। तो प्लीज़ आप जनवरी 15 के बाद प्लान करना, बहुत ट्रैफिक भी मिलेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। सुचित्रा रानी तो भागी जा रही है। ये मार्केट है एक्चुअली, मॉल रोड में ना मार्केट है। भूख लग रहा है हम लोग को, तो अभी हम लोग मॉल रोड में आए हुए हैं, तो यहाँ देखते हैं।
क्या क्या चीज़ है, क्या बहुत सारे यहाँ पे खाने पीने का भी चीज़ है। इतना ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा, आप देख सकते हो यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है। और क्योंकि ये जो पीक टाइम है अभी न्यू ईयर का, इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हमेशा। तो भी हम लोग किसी तरह ट्रैफिक से निकल निकलते हैं, फिर जो लोग घूम रहे हैं। पर मेरा सजेशन है कि अगर आप प्लान करो तो इस टाइम प्लान ना करो, 15 जनवरी के बाद प्लान करना, मनाली या पूरे घूमने का, कोई भी हिल स्टेशन घूमने का। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, आज टेम्परेचर लग रहा है माइनस में होगा, पर हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। कल हम शिलोंग वैली घूमने वाले हैं, तो पूरा ही स्नो से कवर है। तो अभी तो ये हम मॉल रोड में कुछ गाड़ी फंक्शन कुछ होगा, क्या होता है क्या क्या हो रहा है। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही भूख लग चुका है, सुबह से निकले हुए हैं, कुछ खाए नहीं है, तो अब कुछ खाने जा रहे हैं। थोड़ी सी पेट पूजा जाम लगा हुआ, जो हम लोग 2 घंटे से फंसे हुए हैं इस जाम में। और जाम ये एक्चुअली यहाँ से कोई पैदल चलेगा सुरंग गली के लिए? अच्छा, कोई यहाँ भी खुले होते मेरे नीचे नहीं पहुँच पाए तो क्या करें आप? अगर मैं भी अगर वहाँ से आता ना, आपने भी ऐसे खेलने थे, क्योंकि आपको मतलब 6-7 घंटा लग जाना, तो आपको भी ऐसे ऐसे होना था। जो हमने बनाया है बहुत ही मेहनत से, तो इनको आज बर्फ पर लड्डू खाएंगे। खा ले बेटा, खा लीजिए, प्लीज हैव इट, प्लीज। इनका नाक बड़ा प्यारा बनाया है, प्लीज हैव इट, प्लीज प्लीज। इन्होंने बर्फ पर लड्डू खा लिया है, क्योंकि
यहाँ पे, तो शिवलिंग भी है। तो क्या बोलते हैं मिस्टर स्नोई, आप दिन रात यहाँ बैठे रहोगे क्योंकि ये तो आपका ही जगह है, इनका पेड़ बड़ा अच्छा है। वॉचिंग माई वीडियो, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जर्नी के साथ। और आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वच्छता बनाए रखें और मास्क जरूर पहने। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।